वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से आप तक साझी कर दें। जम्मू कश्मीर के नए सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होंगे। ये रास्ते जो हैं वो साफ हो चुके हैं और आज एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ मिल उमर अब्दुल्ला ने उन्हें समर्थन पत्र जो है वो सौंप दिए हैं। यानी कि कांग्रेस का समर्थन जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल चुका है। हाल में ही जिस तरह से विधानसभा चुनाव करवाए गए और वहाँ नतीजे जब सामने आए हैं, 8 तारीख अहम दिन रहा और 8 तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर की बागडोर जो है वो वहीं संभालेंगे। और जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा और लोगों का सहयोग जिस तरह से मिला, और आज लंबा समय ज़रूर लगा इंतज़ार रहा कि कांग्रेस का समर्थन जो है उन तक कब पहुंचेगा, तो आज कांग्रेस के लीडरों से मिल कांग्रेस द्वारा पूर्ण रूप से समर्थन जो है वो उमर अब्दुल्ला का किया गया और बतौर सीएम जो है अब वो जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालेंगे। और आने वाले बुधवार तक संभावना जताई जा रही है कि उमर अब्दुल्ला जो है बुधवार को शपथ लेके जम्मू कश्मीर का पदभार जो है वो संभालेंगे। आपको बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ साथ आम आदमी पार्टी का समर्थन जो है वो मिला है, सीपीआईएम का समर्थन इन्हें मिला है और साथ ही इनके अलायंस पार्टनर यानी कि कांग्रेस का जो है वो भी समर्थन आज इन्हें मिल चुका है। और ये समर्थन पत्र जो है इन्होंने आज राजभवन श्रीनगर में मनोज सिन्हा जी के सुपुर्द किया है और ये बात कही है कि जल्द से जल्द सरकार जो है वो संभालने की तैयारी जो है वो उमर अब्दुल्ला करेंगे। यानी कि आने वाले बुधवार तक उमर अब्दुल्ला जो है वो शपथ लेके जम्मू कश्मीर की बागडोर जो है वो संभालेंगे। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर मौका मिला है जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालने का। हालांकि जिस तरह से अटकलें पहले लगाई जा रही थी कि चीफ मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, तो कहीं ना कहीं ये बातें वैसी की वैसी रह गई हैं। यानी कि कश्मीर जो है इस बार फिर बाजी मार चुका है और इस बार का सीएम जो है वो भी उमर अब्दुल्ला ही आने वाले हैं। तो ज़रूर उमर अब्दुल्ला जी के लिए शुभकामनाएँ लिखें क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार वो संभालने वाले हैं। अब देखने वाली ये बात रहेगी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में किन बातों पे आज विचार किया गया होगा और किन नीतियों पे समर्थन जो है वो दिया गया होगा। मगर वहीं जो जम्मू के एमएलएज जीते हैं, जम्मू के जो भाजपा ने भाजपा सरकार की बात करें और खासकर भाजपा के उम्मीदवारों को मैंडेट जो है वो जम्मू में देखने को मिला है और जम्मू डिवीजन में समर्थन के साथ साथ लोगों ने विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे जताया है। मगर कश्मीर की जनता की बात करें, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अव्वल नंबर पे रही और 42 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे रही। और इस बार की बागडोर जो है यानी कि आने वाले 5 साल जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ रहेंगे। अब सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनके मैनिफेस्टो की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अलग ये मैनिफेस्टो जो है वो रहने वाले हैं। 370-35A पे बातचीत करने को तैयार नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहीं भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ। वहीं अब कई बातें इनके मैनिफेस्टो में इस तरह की थी, अगर बात की जाए तो 200 यूनिट फ्री बिजली का आश्वासन जो है वो उमर अब्दुल्ला ने दिया था और ये भी कहा था कि जिस तरह से सरकार संभालेंगे तो लोगों के लिए सुविधाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब देखने वाली ये बात है कि कितनी सुविधाएं जो है वो मिलती हैं और ये भी देखना होगा कि जो जम्मू के एमएलए जीते हैं उनके हाथ किस तरह की पावर्स जो है वो रहती हैं। और उमर अब्दुल्ला ने साफ आज प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में उनके द्वारा साफ कहा गया है कि जम्मू के जितने भी जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। यानी कि जम्मू के साथ किसी तरह की भी नाइंसाफ़ी जो है वो नहीं होगी, जम्मू को जम्मू का हक जो है वो दिया जाएगा। राशन कार्डों की बात की जाए तो राशन कार्ड्स को लेके भी उमर अब्दुल्ला ने साफ किया था कि राशन कार्ड में पहले की तरह यानी कि जिस तरह से एनसी की सरकार में हुआ करता था, केरोसिन ऑयल के साथ साथ चीनी जो है वो आपको राशन डिपुओं पे मिलेगी
और उज्ज्वल योजना जो कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी, जिसमें साल के 2 सिलेंडर थे, और वहीं उमर अब्दुल्ला ने साल के 12 सिलेंडर जो हैं वो लोगों तक मुफ्त पहुंचाने की बातें की हैं। कई उम्मीदें बेरोजगार युवाओं को मिली हैं, डेली वेजर्स को पक्का करने की बात यहाँ पर है, तो कई मुद्दों में राहत जो है वो मिलने वाली है। जिस तरह से नए चीफ मिनिस्टर का पदभार उमर अब्दुल्ला संभालेंगे, तो उम्मीदें कि बदलाव जो है, जो उन्होंने कहा है, वो ज़रूर होगा। फिलहाल जम्मू में ये बात भाजपा द्वारा साझी की गई थी कि जम्मू का सीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो कहीं ना कहीं उस बातों पे पानी फिरा ज़रूर है। मगर उम्मीदें कि आने वाली सरकार जो भी आए, अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाली है, तो वो लोकहित में, जनहित में आगे बढ़े और लोगों के लिए काम करे। और उम्मीदें किसी और से नहीं, उमर अब्दुल्ला से अब हर किसी की है कि उमर अब्दुल्ला बुधवार को पदभार संभालने के बाद लोगों की उम्मीदें, लोगों से किए हुए वादों को जो है वो पूरा किया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें राजभवन कश्मीर घाटी की हैं, जहां पर आज समर्थन पत्र जो है वो उमर अब्दुल्ला द्वारा एलजी मनोज सिन्हा जी को सौंप दिए गए हैं, और सरकार का गठन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए और इस पे विचार किया जाए कि बुधवार तक सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर की बन जाए और उमर अब्दुल्ला जो है बतौर मुख्यमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर में शपथ लेंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें, सीपीआईएम की बात करें, आम आदमी पार्टी का समर्थन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, और उनके साथ साथ उनके सहयोगी अलायंस कांग्रेस का समर्थन जो है वो उन्हें मिला है। तो कहीं ना कहीं अब राहत जो है वो लोगों को मिलने वाली है, जिस तरह का मैनिफेस्टो जो है उमर अब्दुल्ला का था। तो चलिए, स्मार्ट मीटर से जो लोग तंग हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली जो है उसकी उम्मीद आप लोग कर लीजिए कि जल्द 200 यूनिट फ्री बिजली जो है आपको मिलने वाली है। और पहले जैसा राशन कार्ड या फिर एसपीओस हों या फिर होम गार्ड्स हों या फिर डेली वेजर्स हों, उनकी किस्मत जो है वो बदलने वाली है। आने वाले 5 सालों में क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिलेगा, इसका आश्वासन उमर अब्दुल्ला के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिया गया था। और वहीं 10 सालों के बाद अब चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर का होने वाला है। तो आप आम जनता भी कमेंट्स में राय साझा कर सकते हैं। लगातार हमारे व्यूवर जो है वो राय दे रहे हैं। कुलदीप राज जी है अपनी राय जो है वो साझा करते हुए, हर कोई अपनी राय, लक्की महाजन जी यहाँ पर अपनी राय साझा करते हुए, अभी चिप जो है मुबारकबाद जो है वो उमर अब्दुल्ला को देते हुए। तो आप आम जनता भी जो है अपनी राय साझा करें कि जम्मू कश्मीर के नए सीएम उमर अब्दुल्ला को लेके आपका क्या कुछ कहना है और कितना बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, ये भी ज़रूर बताएं। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल।